उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछा कर। बहुत तकलीफ है तो तीन पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन तीन पाठ रोज करो, एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल ही कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखें, अपने साथ रखें। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान गतिमान रतिमान रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना करकर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावरी मानक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर अपनी कामना कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचा, पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो
उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर दक्षिणमुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कोई हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ तो कहा था हनुमान जी छह भाई हैं। कितने भाई हैं? छह। हनुमान गतिमान के तुमान, गतिमान मतिमान से तुमान, ऐसे हनुमान जी छह भाई। कोई व्यक्ति पैसा खा गया नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान गतिमान रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान का। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो तीन पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन तीन पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग किसी से बात करने जाना है तो वो जल ही कर जाए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का वो लौंग अपने हाथ में रखे अपने साथ। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी, केवल मन से। और ये नहीं कहते हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा, वो प्राप्त होगा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। चढ़ाओ एक लोटा जल, कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट भारी, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो, एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो दो पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 47 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शुतर रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए रोग निवारण।
आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाए। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, और अपनी कामना कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है।